capacitor. The capacitor is an arrangement of two plates of any shape having equal and opposite charge. Kept at certain distance, one of them is charged, and this system can store huge amount of charge. ये सिस्टम बता चुके हैं ना, ठीक है? अब देखिए, अब इसके बाद जो है electrical capacitance of the capacitor. Next heading क्या होगा? Electrical capacitance of the capacitor. Right next heading. Next heading देखिए. Electrical capacitance of the capacitor. चलिए इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस आप भी कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस आप द कैपेसिटेंस. इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस आप भी कैपेसिटेंस क्या होता है? तो देखिए चार्ज के बढ़ने पर क्या होगा बताओ? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इंक्रीज करेगा, है ना? ठीक है, जैसे जैसे प्लेट को चार्ज देते जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट बढ़ता जाएगा, है ना? तो एक वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने के लिए आप जो चार्ज दीजिएगा वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर कहलाता है ना. इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर क्या होता है? अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज वन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर. ठीक है, तो कैपेसिटर के प्लेट के बीच जो है एक वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने के लिए आपको जितना चार्ज लेना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर कहलाएगा. ठीक है, चलिए तो मानते हैं कि क्यू वोल्ट के देने पर जो है व्हेन वी प्रोवाइड क्यू चार्ज, सॉरी क्यू कूलम चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर बिकम वी. टू चार्ज देने पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो जा रहा है? वी हो जा रहा है. तो वी वोल्ट के लिए हमको कितना चार्ज चाहिए बताओ? वी वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमको कितना चार्ज की जरूरत पड़ती है? क्यू ना. वी वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमको कितना चार्ज की जरूरत पड़ती है? क्यू. तो एक वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए कितने चार्ज की जरूरत पड़ेगी बताओ? क्यू अपॉन वी. कितनी जरूरत पड़ेगी? The ratio of charge given to the plate of the capacitor
to the corresponding change in potential difference between the plate of the capacitor is called electrical capacitance of the capacitor. तो ये मानते हैं कि टू चार्ज देने पर पोटेंशियल डिफरेंस बी जनरेट
बी बोर्ड के लिए हमको क्यू चार्ज की जरूरत है, ए बोर्ड के कितने कितने चार्ज की जरूरत पड़ेगी, क्यू बाई बी बनेगी ना। ठीक है, तो ये रेशियो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहलाता है। तो इस रेशियो को वाट में कैसे लिखेंगे, द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर टू द करस्पोंडिंग चेंज इन पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर ना। तो फ्रॉम डेफिनेशन इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर क्या हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर क्या हो गया, C इक्वल टू क्यू अपॉन V, वेयर Q इज चार्ज गिवन टू द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, B इज द करस्पोंडिंग चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर ना। ठीक है, अब देखिए C का मान किस पे डिपेंड करता है, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, मतलब क्या चीज चेंज करेगा उसकी वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, मतलब तो सी की जो वैल्यू है एरिया ऑफ द प्लेट पर डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ द प्लेट, अगर एरिया ऑफ द प्लेट आप बढ़ाइएगा तो सी का मान क्या होगा, बढ़ेगा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीजेस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन द प्लेट एरिया है। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लेट एरिया होता है। ठीक है, अभी इसको करेंगे और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट बढ़ाइएगा तो सी का मान डिक्रीज करेगा। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, और सी का मान किस पर डिपेंड करेगा, सी का मान जो है मीडियम इन व्हिच प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर्स आर प्लेस्ड, मीडियम इन व्हिच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर आर प्लेस्ड है, ये मीडियम पर डिपेंड करता है और ये सेम साइज पर भी डिपेंड करता है, सी का मान सेम और साइज पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली कांस्टेंट, डायरेक्टली कांस्टेंट ऑफ द सी का मान जो है डायरेक्टली कांस्टेंट पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली कांस्टेंट ऑफ द कैपेसिटर पर डिपेंड करता है। तो देखिए सी इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, तो सी छोड़ कितना होगा, सी को जो हम प्रूव करेंगे के टाइम एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होगा, के क्या चीज है, के डायरेक्टली कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट जो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, एप्सिलॉन क्या है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो अगर प्लेट को आप है एक ऐसे रीजन में रखेगा जिसका डायरेक्टली कांस्टेंट ज्यादा है तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का ज्यादा होगा, प्लेट एरिया ज्यादा है तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, डी ज्यादा है तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कम होगा। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ज्यादा ज्यादा रखने के लिए प्लेट को हम क्या करेंगे, क्लोज टू एक दूसरे के क्लोज रखेंगे। ठीक है, चलिए इसे कॉपी कर दो।